महीने भर से चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन से सटे पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। पोलैंड में तैनात अमेरिकी सेना के जवानों से की बातचीत, रूस का गुस्सा और भड़कने की आशंका। नेटो की रूस को चेतावनी, कहा रासायनिक या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इससे यूक्रेन में जंग का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। रूस यूक्रेन जंग का 31वां दिन, यूक्रेन में भीषण जंग जारी। चेर्निहिव में यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के ठिकाने को तबाह किया। रूस का चेर्निहिव में यूक्रेन के तोपखाने को तबाह करने का दावा, कहा औद्योगिक इलाके में बनाए गए थे तोपखाने। राजधानी कीव के पास रूसी हमले की चपेट में आया एक तेल डिपो, मिसाइल हमले में तेल डिपो में लगी भीषण आग। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास इरपिन में बहुमंजिला इमारतों के ऊपर आसमान में दिखा धुएं का गुबार। कीव के मेयर का दावा, यूक्रेन की सेना ने इरपिन समेत शहर के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के इलाके को वापस लिया। डोनबास में यूक्रेन के विद्रोहियों की सेना डीपीआर रूस की बमबारी की वजह से यूक्रेन का मरियुपोल शहर पूरी तरह से तबाह, मेयर ने कहा पुनर्निर्माण में कई साल लगेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा पिछले एक हफ्ते में हमारे सैनिकों ने दुश्मन की सेना पर जोरदार हमले किए, जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्री कहीं गायब हो गए हैं। रूस की सेना का दावा, यूक्रेन की सैन्य ताकत को कम करने के का पहले चरण का मुख्य उद्देश्य पूरा हुआ, मुख्य लक्ष्य डोनबास की मुक्ति पर होगा रूस का ध्यान। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद एक्शन में योगी, पहली मंत्री परिषद की मीटिंग में नए मंत्रियों को बताया क्या करना है और क्या नहीं। आज सुबह 10 बजे लोकभवन में फिर होगी योगी मंत्रिपरिषद की बैठक। आज जो पूरी परिचय की बैठक थी बहुत अच्छी बैठक हुई और बहुत शानदार टीम है इस बार की मंत्रिपरिषद, बहुत शानदार है। जो जनता जनार्दन ने इतना बड़ा प्रचंड बहुमत के साथ आशीर्वाद दिया है, हम सभी मिलकर जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करें। आज सुबह 11 बजे प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लेंगे रमापति शास्त्री। 11:30 बजे सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। यूपी में लगातार दूसरी बार योगी सरकार, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने ली सीएम पद की शपथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई शपथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। योगी सरकार 2.0 में 52 नेता मंत्री बने, 18 कैबिनेट मंत्री और 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए, 20 राज्य मंत्रियों ने भी ली शपथ। आज हो सकता है विभागों का बंटवारा। ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं भारत की प्रभुता सुन रखूंगा। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को मिली यूपी के डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी, एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मुहर, जमकर मना जश्न। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं। योगी कैबिनेट में 5 महिलाओं को मिली जगह, बेबी रानी मौर्य बनी कैबिनेट मंत्री। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। बीजेपी के दोनों सहयोगी दल निषाद पार्टी और अपना दल को कैबिनेट में जगह मिली, संजय निषाद और आशीष पटेल मंत्री बनाए गए। मैं डॉक्टर संजय निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ को दी बधाई, प्रगति का नया अध्याय लिखने की जताई उम्मीद। योगी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए बीजेपी के दिग्गज गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। योगी के शपथ ग्रहण के दौरान 50,000 लोगों की क्षमता वाला इकाना स्टेडियम खचाखच भरा नजर आया, मोदी योगी के नारे से गूंजा स्टेडियम।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर योगी को दी बधाई, लिखा आ गए हैं भगवाधारी, योगी जी को बहुत बहुत बधाई। पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह को नहीं मिला दोबारा मौका। सतीश महाना भी नहीं बनाए गए मंत्री, महाना को विधानसभा अध्यक्ष बनाने की चर्चा। सीएम योगी के शपथ ग्रहण के बाद गोरखपुर में मनी दिवाली, गोरखनाथ मंदिर में नाच गाकर लोगों ने जश्न मनाया। ब्रजेश पाठक के डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद समर्थकों में दिखा जोश, पटाखे जलाकर जताई खुशी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर जश्न का माहौल, शपथ ग्रहण के बाद कौशाम्बी में परिवार ने जताई खुशी। शपथ ग्रहण के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा 2024 में लोकसभा की 75 सीटें जीतेंगे। 2024 में 75 प्लस के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। योगी के दोबारा सीएम बनने पर उनके पैतृक घर पौड़ी में जश्न का माहौल, झूमते गाते नजर आए परिजन और रिश्तेदार, भजन कीर्तन भी किया। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को दी सरकार बनाने की शुभकामनाएं, कहा एसपी के बनाए स्टेडियम में ली शपथ, सिर्फ सरकार बनाने की ही नहीं बल्कि जनता की सच्ची सेवा की भी शपथ लेनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की पार्टी दफ्तर में आज सुबह 11 बजे होगी अहम बैठक, अखिलेश यादव की मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। यूपी विधानसभा के नव निर्वाचित विधायकों को 28 और 29 मार्च को का शपथ ग्रहण समारोह, प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री दिलाएंगे शपथ। लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू बोले, फर्जी मतदान रोकने के लिए एक देश एक मतदाता सूची और ऑनलाइन मतदान प्रणाली पर विचार कर रही है सरकार। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला बिल लोकसभा में हुआ पेश, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया, घटाई जाएगी सीटों की संख्या। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा संसद में लाए गए बिल का एकमात्र मकसद एमसीडी का चुनाव रोकना है। 75 साल के इतिहास में संसद में पहली बार केंद्र में बैठी हुई सरकार एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव रोकने के लिए बिल लेके आई। आज पेश होगा दिल्ली का बजट, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर हो सकते हैं बड़े ऐलान। गृहमंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा, अहमदाबाद में कई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आज लोगों को जिंदा जलाने के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर शुरू की जांच, घटना वाली जगह पहुंची सीबीआई की टीम, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच। बीरभूम हिंसा पर सियासत हुई तेज, कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। बीरभूम हिंसा का जिक्र कर बीजेपी नेता रूपा गांगुली की आंखें हुई नम, बोली सिर ग्लानी से झुक जाता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हिंसा प्रभावित इलाके का जल्द दौरा करेगा अल्पसंख्यक आयोग का दल, आयोग मुख्य सचिव को पत्र लिखकर घटना की रिपोर्ट मांगेगा। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की शिकायत पर देश में गूगल के खिलाफ जांच करेगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, गूगल पर मजबूत पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर ऑनलाइन न्यूज से होने वाली कमाई में मीडिया संस्थानों का हिस्सा हड़पने का लगा आरोप। ABP News, आपको रखे आगे।